बीजेपी कार्य समिति से तारीख का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सीएम ऑफिस जीओआर ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि 1 अगस्त से बीजेपी की स्वराज गौरव यात्रा शुरू होने वाली है। तो सस्पेंस लगातार बना हुआ है। हालांकि सीएम ऑफिस जीओआर ट्विटर हैंडल से ये संकेत मिल गए हैं, ये ट्वीट किया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है बीजेपी कार्य समिति। जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर उनका रुख कर लेते हैं। शशि, संकेत यहां पर मिले हैं ट्विटर हैंडल के माध्यम से कि 1 अगस्त से ये यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, कब तक का इंतजार करना पड़ेगा? देखिए पूजा, औपचारिक ऐलान के लिए संभवतः 21 जुलाई तक का इंतजार करना होगा, जो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति का दूसरा दिन होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में ही ये ऐलान किया जाने की संभावना अभी तक बीजेपी की तरफ से जताई जा रही है। पार्टी के नेता अलग बात कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री का जो आधिकारिक ट्विटर है, सीएम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के नाम से जो ट्विटर हैंडल बना हुआ है, वो अलग बात कह रहा है। पार्टी के नेता कह रहे हैं अभी मुख्यमंत्री के समय की उपलब्धता के हिसाब से तारीख तय होगी यात्रा की, जबकि ट्विटर हैंडल पर 1 अगस्त की तारीख अभी आ गई है। मान के यही जा रहा है कि पहले सप्ताह में, अगस्त के पहले सप्ताह में ये यात्रा शुरू होगी, तकरीबन 45 दिन की ये यात्रा होगी और इसमें 2 से 3 विधानसभाओं को क्लब कर करके सभाएं होंगी, जिसमें 75 से 80 के करीब की सभाएं पूरी यात्रा के दौरान हो सकती हैं। जिस तरह से ट्विटर हैंडल से संकेत मिल चुके हैं, क्या कुछ लग रहा है तैयारियों को लेकर, किस तरह से मुस्तैद हैं तमाम अधिकारी? देखिए अधिकारी और प्रशासन अपने स्तर पर मुस्तैद हैं, चुनावी रैली है इसलिए अधिकारियों की भूमिका ज्यादा नहीं रहेगी, ना भीड़ जुटाने में रहेगी, ना व्यवस्थाएं करने में रहेगी। सुरक्षा के लिहाज से जरूर पुलिस को पुख्ता इंतजाम करने होंगे। हाँ, जहां तक बीजेपी की जो कोर टीम है और मुख्यमंत्री की जो कोर टीम है, जो मुख्यमंत्री के तमाम दौरों की रूपरेखा बनाती है, कैसे व्यवस्थाएं होंगी, इन सबको अंजाम देने की तैयारी करती है, वो जरूर लगातार व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री के जो विधानसभा क्षेत्रों पर जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं में भी जुटी हुई है और साथ ही इस यात्रा की तैयारी भी मुख्यमंत्री की टीम अपने स्तर पर कर रही है। संगठन को भी निर्देश दे दिए गए हैं तैयारियों के, जब संगठन में कार्यकारिणी में जो विस्तार हो जाएगा, नए चरणे आ जाएंगे, उसके बाद इन तैयारियों में और तेजी आएगी। जी पूजा, पीएम मोदी के दौरे के बाद से ही लगातार जान फूकी जा रही है और चुनावी रण में बीजेपी उतर चुकी है, कुछ ऐसे ही नजारे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और तमाम जो टारगेट हैं वो भी दे दिए गए हैं तमाम मंत्रियों को, तमाम जनप्रतिनिधियों को। ऐसे में एक बड़ा यहां पर स्वराज गौरव यात्रा को लेकर जिम्मा रहने वाला है, लोगों तक अपनी शक्ति को दिखाने का, अपने जो उद्देश्य हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का। तो किस तरह से ताकत इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी दिखाने की कोशिश करेगी? शशि, पूजा, ये यात्राएं जैसा मैंने बताया, 2 से 3 विधानसभाओं को क्लब करके 2 या 3 विधानसभाओं के स्तर पर एक जगह तय की जाएगी, जहां पर विधानसभाएं मिलती होंगी, जुड़ती होंगी, उनकी नजदीकी जगह सभा मैदान के रूप में देखी जाएगी और तीनों विधानसभाओं क्षेत्र से, या जहां पर 2 विधानसभा क्लब होंगी तो दोनों विधानसभा क्षेत्रों से लोग पहुंचेंगे उस सभा में। और इस बार बीजेपी खास इस बात का ध्यान रखेगी कि कांग्रेस में मेरा बूथ मेरा गौरव के दौरान जिस तरीके से टिकट के दावेदार आगे बढ़ चढ़ करके आए, आपस में हाथापाई की नौबत आई, कम से कम बीजेपी के यात्राओं में ये नहीं हो। हालांकि मुख्यमंत्री की यात्रा है, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी खुद साथ में मौजूद रहेंगे, इसलिए ऐसी संभावना अभी नहीं बन रही। लेकिन जहां कहीं यात्रा की तैयारियां होती हैं, टिकट के दावेदार होते हैं, जब पार्टी सत्ता में आती हुई दिखती है तो ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है आपस में। ऐसे में बीजेपी में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो टिकट की दावेदारी जताएं और पार्टी भी ये संकेत दे चुकी है कि उन्हें सत्ता में वापस लौटना है और टिकट काटने की जरूरत पड़ी तो टिकट भी काटे जाएंगे। पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो भी अलग अलग स्तरों पर ये राय जाहिर करते रहे हैं कि 70 से 80 टिकट कम से कम काटे जाएंगे तो पार्टी कहीं फाइट में मजबूती से आती हुई दिखाई देगी और सत्ता में वापसी भी करने के अच्छे आसार बनेंगे। इन सबको देखते हुए जो दावेदार हैं वो भी सक्रिय होंगे मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान और पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं वो भी।